नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है पैथोलॉजी का, यानी प्लांट पैथोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, हमको कैसे याद करना है, पेपर में कैसे लिखना है, हम आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम में पास हो सकें। दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी, जैसे कि हमने पिछली इससे जो लास्ट वीडियो डाली थी वो डाली थी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, जिस पर बहुत सारे व्यूज आए और बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया और उनका जो रिव्यू था बहुत ही अच्छा था कि उनका जो पेपर था वो सारा का सारा फंसा था। इसी प्रकार से बायोकेमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था, फिजियोलॉजी का हुआ था, इकोनॉमिक्स का और एंटमोलॉजी का, यानी कि हमने जो जो पेपर हमने सेट किए हैं, हमने जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं वो सारे के सारे पेपरों में आए हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखें और हम जो उसमें बताते हैं, आपको समझाते हैं, उसको समझें, ताकि अगर आप अपनी किताब में से उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपको वो जल्दी से जल्दी समझ के याद हो जाए और आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें। दोस्तों, याद करने से एक अच्छा तरीका होता है कि हम समझें कि अगर हम यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेस्ट जाता है और हमको कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हमको कोई क्वेश्चन याद भी नहीं होता है तो हमने वो थोड़ा सा समझ लिया है तो हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हैं। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो देखी थी तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने हमारा जो क्वेश्चन पेपर था, हमने जो क्वेश्चन दिए थे, जो बताए थे, वो आपके एग्जाम में आए हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों में देखे जा रहे हैं। आप श्योर हो सकते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को याद करके अच्छी तरह से पास हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सब्जेक्ट है वो है प्लांट पैथोलॉजी। क्या है प्लांट पैथोलॉजी? यानी कि पादप रोग विज्ञान। रोग विज्ञान तो दोस्तों, यानी पादप रोग विज्ञान। तो यहीं से हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना है वो क्या हो गया कि प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान क्या है, या फिर क्या कैसे कह सकते हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान को परिभाषित कीजिए, ऐसे कह सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान को परिभाषित कीजिए। और इससे आगे क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि पादप रोग विज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको इसकी क्या बतानी है, डेफिनेशन है, पादप रोग विज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ लिखिए, इसकी डेफिनेशन बतानी है। इससे आगे को आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके उद्देश्य, यानी इसके जो पढ़ने के हमारे जो उद्देश्य हैं, यानी इसके उद्देश्यों तथा इसका जो क्षेत्र है पादप रोग विज्ञान परिभाषित कीजिए, तथा इसके उद्देश्यों तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या करना है, इसके क्षेत्र का वर्णन करना है, वर्णन कीजिए। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा कि पादप रोग विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके उद्देश्य बताने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि इसकी क्या क्या उद्देश्य हैं, और इसके क्षेत्र बताना है कि यानी इसका क्षेत्र क्या क्या है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, यानी पादप रोग विज्ञान इसका अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं और इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी
क्या प्लांट पैथोलॉजी है, ये क्या है प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। इसका जो दूसरा नाम है वो है फाइटोलॉजी, क्या है फाइटोलॉजी, या फिर कह सकते हैं फाइटो पैथोलॉजी, क्या है फाइटो फाइटो पैथोलॉजी, ये इसका क्या है प्लांट पैथोलॉजी का क्या है पूरा नाम, इन फाइटो ऑफ पैथो और लॉजी यानी फाइटो पैथोलॉजी। तो इसमें हमने ये जो शब्द है हमने ये तीन टुकड़ों में बांटा, पहला क्या है फाइटो और दूसरा क्या है पैथो, क्या है पैथो, और जो तीसरा है वो क्या है लॉजी। यानी कि ये जो शब्द है प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोलॉजी फाइटो पैथोलॉजी, ये क्या है तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। और ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा, किसका है ग्रीक भाषा, या फिर क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में यूनानी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है यूनानी भाषा का। अब इसके अर्थ की बात करते हैं कि इसमें जो फाइटो होता है उसका अर्थ क्या होता है, पैथो होता है उसका अर्थ क्या होता है, और लॉजी है ये क्या होता है। तो जो फाइटो है इसको हम ग्रीक भाषा में कहते हैं फाइटोन, क्या कहते हैं फाइटोन फाइटोन, और जिसका अर्थ होता है पौध या पौधे, क्या होते हैं पौधे या पादप, क्या कह सकते हैं पादप। यानी फाइटोन को क्या अर्थ हुआ पौधे या पाथम पादप। और इसमें जो पैथो नामक शब्द है, क्या पैथो, क्या पैथो पैथो, इसमें जो पैथो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसमें जो पैथोस, या इसको पैथोस भी कह सकते हैं, क्या पैथोस, इसमें जो पैथोस का अर्थ होता है, जैसे कि क्या हुआ हमारा, क्या हुआ फाइटो से, क्या हुआ हमारा फाइटो से हो गया हमारा कि पादप, और जो पैथो है वो क्या है रोग, क्या है रोग, क्या कह सकते हैं इसको रोग, या फिर क्या कह सकते हैं सफरिंग, क्या सफरिंग या पीड़ा, ऐसे इसको क्या कह सकते हैं प्लांट, क्या कह सकते हैं प्लांट। और हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है लॉगोस, लॉगोस लॉगोस, इसका लॉगोस का जो अर्थ होता है वो होता है टू स्टडी, क्या टू स्टडी, या फिर क्या कह सकते हैं नॉलेज, क्या कह सकते हैं नॉलेज यानी ज्ञान। यानी कि अगर हम इसके पूरे अर्थ की बात करें तो पादप रोग और ज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के रोगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों प्लांट फाइटोपैथोलॉजी कहलाती है, या फाइटोपैथोलॉजी कह सकते हैं या प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। अब इसकी बात कर सकते हैं कि ये तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं अच्छी तरह से जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। तो इसकी जो अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि प्लांट है, यानी कि हम इसका जो अध्ययन करेंगे वो कहाँ करेंगे कृषि में, कहाँ पर कृषि में, यानी कृषि विज्ञान की इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ये कैसे दे सकते हैं कि कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान, या फिर क्या कॉमा लगा के लिख सकते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या वनस्पति विज्ञान कॉमा, और क्या कह सकते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों तथा उनके कारणों तथा निवारणों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान कहलाती है।
ये होगी इसकी डेफिनेशन, यानी कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति क्या है, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान कोमा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों यानी पेड़ पौधों के रोगों, उनकी जो कारण है कि वो कैसे हो रहे हैं और इनके जो निवारण है यानी कि उनकी कैसी कैसे हम दवाई बना सकते हैं, उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उन रोगों को हम कैसे मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, आपको ऐसी लिखनी है जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छे अंक दे। ऐसे आगे बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्या इसके उद्देश्य, तो दोस्तों इसके उद्देश्य कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जैसे कि इससे हमको क्या होता है, पौधों में रोग किस कारण से लग रहा है, यानी पौधों में रोग लगने के कारण का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, इसके उद्देश्य की बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, एक कारण का ज्ञान होता है, किसका, कारण का ज्ञान, कारण का ज्ञान होता है। जैसे कि मैं कहूं कि किसी पौधे में रोग लग रहे हैं वो किस कारण से लग रहे हैं, तो इससे हमको किसका ज्ञान होता है कि पौधों में रोग लगने वाले कारणों का ज्ञान होता है। एक तो ये उद्देश्य हो गया, और दूसरे उद्देश्य की बात करें कि जो पौधे और रोगों के बीच जो क्रिया होती है उसका भी ज्ञान होता है, कि जो रोग हैं, जो रोग के जो कवक है, वायरस है या बैक्टीरिया है, वो किस प्रकार से पौधे को इफेक्ट कर रहा है, इससे किसके ज्ञान होता है, पौधे तथा, पौधे तथा रोगों के बीच, रोगों के बीच क्रिया का ज्ञान, किसका, क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है, और इनसे होने वाली जो हानि होती है उसका भी ज्ञान होता है कि इससे किस प्रकार से हानि हो रही है, किसका ज्ञान होता है, हानि का ज्ञान। ये हेडिंग है, आप इनमें थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हैं कि इससे क्या पता चलता है हमको कि कोई रोग किस प्रकार से पौधे को इफेक्ट कर करे और कितनी हानि पहुंच रहा है। और अगला हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है कि इसको पादप रोगों को खत्म करने का ही जो तकनीकी है यानी जो दवाइयां हैं उनका भी हमको ज्ञान होता है, किसका, कि जो पौधों में जो रोग लगते हैं उनको खत्म करने की दवाइयों या औषधियों या तकनीकियों का भी ज्ञान इसी के अंदर होता है। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर दो, वो ये है कि पादप रोग, पहले हमने बात की थी पादप रोग विज्ञान, अब बात कर रहे हैं पादप रोग, किसकी, पादप रोग, पादप रोग क्या है, यानी आपको ये बताना है ये क्या है, इनका अर्थ बताना है और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, यानी पादप रोग क्या है, इसका वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर, विभिन्न आधारों पर कीजिए, यानी आपको क्या बताना है कि पादप रोग क्या है, यानी व्हाट इज पैथोजेंस, और क्या बताना है, इसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कीजिए, क्लासिफाई द पैथोजेंस इन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट्स, यानी आपको क्या है कि इसका अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं पादप रोग क्या होते हैं, यानी कि वे कारक जो पौधों को या किसी जीव को हानि पहुंचाने, हानि पहुंचाते हैं उसकी गुणवत्ता को, जैसे हम फसल में कोई रोग लग जाता है तो उसको हानि पहुंचाते हैं और क्या करते हैं उसकी गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। यानी कि इसकी हम परिभाषा जो दे सकते हैं वो इस प्रकार से दे सकते हैं कि पादप रोग वे कारक होते हैं जो पादपों के किसी भाग को प्रभावित करके उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्रियात्मक क्रियाओं को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं या किसानों को आर्थिक हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो पादप रोग कहलाते हैं। इसके आगे हमको बताना है कि इसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कीजिए, यानी इसके जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर कैसे किया सकता है, तो दोस्तों इसका जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया सकता है, एक तो होते हैं कि किसी स्थान पर ही फैल रहे हैं रोग, और एक होते हैं कि वो कितने प्रचंड तरीके से फैल रहे हैं इसके आधार पर बता सकते हैं। जैसे कि अगर स्थान के बारे में बात करें तो कभी कभी देखा जाता है कि आमतौर पर एक जिले में कोई सा रोग फैल गया
तो वो स्थानिक मारी रोग, और कोई कोई एक ऐसा रोग होता है जो कि 1 साल बाद 2 साल बाद लगातार क्रिया चलती रहती है, उसका सर्कल चलता रहता है किसी विशेष फसल पर, और एक ऐसा रोग होता है कि वो सारे संसार में फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है, यानी कैसा रोग कि वो सारे संसार में फैल जाता है। जैसे कि ये हमारा जो कोरोना वायरस है पूरे संसार में फैला हुआ है, तो ये कैसा रोग है हमारा, ये एपिडेमिक रोग है। कैसा है? एपिडेमिक रोग, यानी महामारी रोग है ये। इसी प्रकार से आपको इनका वर्गीकरण पढ़ना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आप वीडियो पर बने रहिए, आपको इसके सिवा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप श्योरली इससे इन क्वेश्चनों से अच्छी तरह से पास हो जाओगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है जीवाणु। क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के बारे में बताना है आपको कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया की परिभाषा देनी है कि इसके क्या क्या होता है, और इसमें जो मैं आपको डेफिनेशन से मतलब टॉपिक बता देता हूँ आपको बैक्टीरिया के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक दो टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि आपको इसके सबसे पहले पढ़ने हैं लक्षण। क्या पढ़ने हैं दोस्तों? लक्षण। आपको कोई 3 से 4 या 5 लक्षण याद करने कर लेने हैं, यानी करैक्टरिस्टिक्स याद कर लेनी है, यानी कि जो लक्षण है इनके गुण होते हैं। लक्षण कह लो या फिर क्या कह लो, गुण कह लो, या फिर क्या कह लेते हैं इसके विशेषता। क्या है? विशेषताएं, यानी लक्षण या गुण या विशेषताएं, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बात एक ही होती है। लक्षण कह लो या गुण कह लो या विशेषता कह लो, कुछ भी कह लो। तो आपको इसके 3 से 4 कोई लक्षण याद कर लेने, और उसके बाद आपको इसकी जो आकार की संरचना है, क्या क्या आकार की, आकार की संरचना, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी इनका आकार कैसा होता है। कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ ऐसे हेलिक्स टाइप में होते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं इनका जो वर्गीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और मैं इसका जो अगला टॉपिक बताता हूँ कि इसके बारे में आपको और क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है प्रजनन। इनका जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन, जो कि 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक, दोनों प्रकार का पढ़ लेना है। लेकिन जो असेक्सुअल है, यानी कि जो अलैंगिक जनन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब वो जो अगला है कि टॉपिक, क्या आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है, तो आपको इसकी जो जीवाणु की जो कोशिका होती है, क्या होती है, जीवाणु कोशिका, उसके बारे में पढ़ना है। क्या? जीवाणु कोशिका के बारे में, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसका डायग्राम बना के आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो याद कर लेनी है। तो क्या क्या पढ़ना है इसका? लक्षण, गुण और विशेषताएं, बात एक ही है, आपको इसके 3 से 4 लक्षण याद कर लेने हैं। आकार की संरचना, वर्गीकरण, इनके आकार के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है उनकी संरचना होती है। जैसे कि गोल जीवाणु होते हैं, कुछ गोल होकर लंबे हो जाते हैं वो होते हैं, कुछ लंबे ही लंबे होते हैं, और कुछ ऐसे करके गोला टाइप में, यानी हेलिक्स आकार के होते हैं। इस प्रकार से इनका वो पढ़ना है। इसमें आपको प्रजनन हो गया, प्रजनन 2 प्रकार से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, आपको उन दोनों पर भी ध्यान देना है। और क्या है? जीवाणु कोशिका, यानी कि जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आपका जो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको पढ़ना है कवक के बारे में। किसके बारे में? कवक के बारे में। बहुत से लोग इसको कवक, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं इसको, फंजाई। मैं तो फंजाई कहता हूँ, या फंगी भी कह लेता हूँ कभी कभी, फंगी। क्या? कवक। कवक को क्या है इसमें आपको, इसकी जो पहले तो आपको परिभाषा बता देनी है कि भाई इसमें ये होता है, इसके ये है, या फिर और क्या होता है, इसके लक्षण भी बता देने हैं। क्या? लक्षण। परिभाषा भले ही मत याद कीजिएगा, आप इसके लक्षण और गुण से ही बना बना के लिख दो तो वही इसकी परिभाषा हो जाएगी। लक्षण कह लो, या फिर क्या है, गुण यानी प्रॉपर्टीज, यानी विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कह लो, ये भी इसकी पढ़नी है। और जो दूसरा है इसका, जो दूसरा टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, वो है इसका आर्थिक महत्व। क्या है? आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, यानी क्या, इकोनॉमिक्स पर्पज, यानी इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस, यानी कि ये क्या लाभ या हानि, यानी इससे क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, ये क्या आगे इसके आर्थिक महत्व में आगे आपको इसके बारे में पढ़ना है। और इसके जो वो है अगला है वो इसके बारे में पढ़ना है, इसकी जो प्रजनन होता है। क्या? प्रजनन के बारे में। किसके बारे में? प्रजनन, जो कि ऊपर भी मैंने बताया, अगले क्वेश्चन में भी क्या है, प्रजनन के बारे में पढ़ना है। कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है,
वो किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से बताया है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, लैंगिक और लैंगिक। लेकिन ध्यान किससे किस पर देना है, अलैंगिक जनन पर। आपका जो अगला टॉपिक है इसका भी वो क्या है कि इसके लक्षण और गुण विशेषता हो गए, आर्थिक महत्व और लाभ हानि हो गए, प्रजनन हो गए, और आपका इसमें जो पूछता है वो पूछता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, क्या नामावली पूछता है, क्या पूछता है नामावली या नामा नामकरण, नामकरण या फिर कैसे कह सकता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से पूछ सकता है इसके नामावली यानी बाइनोमियल सिस्टम और नोमेनक्लेचर यानी के जो नामकरण की जो पद्धति है, और वो भी कौन से बाइनोमियल यानी द्विनाम पद्धति, जिसमें जैसे कि पहले जो खोज होती है इसका जो कुल है उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद में इसकी जो खोज कर रहा है या किस स्थान से खोज की जा रही है उस जो वैज्ञानिक का नाम है या उस स्थान का नाम उसके पीछे रखा जाता है। तो दो शब्द हो गए, इसी प्रकार से ये क्या होता है बाइनोमियल सिस्टम होता है, आपको ये भी याद कर लेना है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है विषाणु यानी वायरस क्या होता है, इसके लक्षण बताने और इसकी क्या बतानी है संचरण यानी क्या जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है वायरस, किसके बारे में पढ़ना है हमको वायरस या फिर विषाणु, क्या कहते हैं इसको हिंदी में विषाणु, दोनों ही नाम आपको याद करने हैं वायरस और विषाणु, क्या वायरस वायरस क्या होता है यानी वायरस। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस द स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाती है यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है वायरोलॉजी, क्या वायरोलॉजी कहलाती है, क्या कहलाती है वायरोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है, वो तो अलग बात थी मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि वायरस यानी विषाणु, वायरस के आपको क्या पढ़ने हैं लक्षण, कि इसके लक्षण हैं या गुण या फिर क्या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, क्या विशेषताएं यानी क्या होती हैं। आपको इसके केवल दो ही टॉपिक पढ़ने हैं और तो जो अगला है वो है इसका संचरण, क्या है संचरण, जो इसका जो संचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, यानी इनका क्या पढ़ना है आपको ट्रांसमिशन, क्या है ट्रांसमिशन, इनका जो ट्रांसमिशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है। जैसे कोरोना वायरस है, जैसे कि हम किसी चीज को छूते हैं या वायु में भी किसी के संपर्क में आते हैं तो वो उसके ही कोरोना वायरस हो जाता है, इसी प्रकार से आपको इसका संचरण पढ़ना है यानी कि जैसे कोरोना वायरस फैलता है उसका जो संचरण है वो उस चारों ओर को फैल रहा है, वो किस प्रकार से फैलता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसमें क्या पढ़ना है सूत्रकृमि के बारे में, किसके बारे में सूत्रकृमि को परिभाषित कीजिए, यह फसलों पर किस प्रकार परजीवी है वर्णन करना है, क्या करना है सूत्रकृमि, सूत्रकृमि को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए यानी इसकी परिभाषा बतानी है कि इसमें क्या क्या होता है, वो ये इसके लक्षण बताने हैं कि इसमें इसके जो लक्षण हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुण हैं प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होते हैं, और क्या बताना है इससे आगे आपको बताना है कि फसलों पर किस प्रकार एक परजीवी की तरह कार्य करता है, कैसे परजीवी, यह है फसलों पर किस प्रकार से, किस प्रकार से परजीवी है, परजीवी है ये बताना है, सूत्रकृमि की परिभाषा देनी है और ये बताना है कि ये फसलों पर किस प्रकार से एक पैरासाइट यानी परजीवी तरह कार्य करता है, इसका करना है वर्णन कीजिए, क्या वर्णन कीजिए यानी इसको डिटेल में बताना है, सूत्रकृमि की परिभाषा यानी इसकी गुण लिख देने और एक फसलों पर किस प्रकार से पैरासाइट यानी परजीवी यानी दूसरों के ऊपर जो निर्भर होते हैं, जो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं केवल दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं, इसी प्रकार से ये भी एक परजीवी होता है, तो ये किस प्रकार से उन पौधों के ऊपर परजीवी है यानी उन पर कैसे रिएक्ट करता है, उनसे कैसे पोषण प्राप्त करता है इसके बारे में आपको बताना है, यानी सूत्रकृमि, सूत्रकृमि क्या कहते हैं निमिटॉड्स, क्या कहते हैं निमिटॉड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या कहते हैं
निमिटॉड्स। आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो है कि परजीवी किसे कहते हैं, क्या परजीवी यानी व्हाट इज पैरासाइट, यानी पैरासाइट क्या होते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का क्या करना है वर्गीकरण। परजीवी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी आपको क्या करना है, सर वर्णन करना है, इसके टाइप्स बताने हैं, यानी जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी परजीवी यानी पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे जो अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे सूत्र कृमि है, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, वो पौधों की किसी जड़ पर तने पर पत्तियों पर जाकर रहते हैं और उनसे क्या है उनके पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनकी कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं यहाँ तक कि और वहां से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, यानी क्या है वो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, तो इसलिए उनको क्या कहेंगे परजीवी कहेंगे या क्या 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 कहेंगे पैरासाइट कहेंगे, और उनकी जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी परिजीविता, क्या कहलाएगी परिजीविता, इसको भी ध्यान में रखना क्या कहलाएगी वो परिजीविता, यानी जो क्रिया है जो उनके जो अदर पौधों पर यानी अदर प्लांट्स पर रहने की वो क्या कहलाएगी परिजीविता, यानी पैराटिज्म, क्या पैराटाइज्म या पैराटिज्म भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो ये कहलाएगी। आपको इसके विभिन्न प्रकार को वर्णन करना है, जैसे कि कुछ होते हैं बाहरी परजीव होते हैं, कुछ आंतरिक परजीव होते हैं, कुछ जड़ के होते हैं, कुछ तने के होते हैं, इस प्रकार से आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको केवल 8 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, वो एक बेसिकली टिप्पणी है, क्या है कमेंटमेंट लिखना है आपको, या फिर जिस पेपर में कह देता है 2 शब्द लिखिए या 3 शब्द लिखिए, आपको मात्र उतने ही शब्द लिखेंगे और उसके बारे में बता देना है कि ये क्या क्या होते हैं। तो हमारे जो वो हैं क्वेश्चन हैं वो है अमरवेल, क्या है अमरवेल, अमरवेल को तो आप जानते ही होंगे, अमरवेल यानी कि आपने देखा होगा जो भी कटीले पौधे होते हैं या सूखे जैसे पेड़ होते हैं उन पर आमतौर पर एक पीली जैसी वेल हो जाती है, क्या हो जाती है पीली तरह की वेल, ऐसी पतली पतली सी होती है ऐसे करके, जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा पेड़ है, क्या है पेड़ है, ये हमारा पेड़ हो गया है ये तो इस पे जो ऐसी ऐसे करके बेल बेल सी फैल जाती है और उस पौधे को क्या है पूरी तरह से ढक लेती है, और ना तो उसकी जड़ होती है और कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो उनकी पत्तियों से ही अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करके अपनी वृद्धि करते रहते हैं, और उस पौधों की जो क्या है पोषण में कमी जाती है और पौधे को नष्ट कर देती है, यानी उसको खत्म कर दे मार देते हैं, वो क्या है अमरवेल है, और अमरवेल को क्या कहते हैं कोस्कोटा, क्या कहते हैं कैस्कोटा, यानी अब अमरवेल के बारे में पढ़ना है कि अमरवेल क्या होता है, कैस्कोटा क्या होता है, और आपको इसके साथ में क्या पढ़ना है तथा स्ट्राइगा, क्या है स्ट्राइगा, यानी स्ट्राइगा कहते हैं या कुछ हिंदी में लिखा मिला होगा तो क्या है स्ट्राइगा, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या है स्ट्रीगा, यानी स्ट्रीगा क्या होते हैं, या इन पर क्या लिखें संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी ब्रीफ शॉर्ट्स नोट, ब्रीफ नोट्स लिखना है कि अमरवेल तथा स्ट्राइगा को परिभाषित कीजिए, क्या करना है परिभाषित कीजिए, या फिर पर टिप्पणी लिखिए, क्या पर टिप्पणी लिखिए, यानी क्या लिखनी है टिप्पणी, यानी कमेंटमेंट लिखनी है, टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको अभी क्या बताया कि अमरवेल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्राइगा, यानी स्ट्राइगा क्या होता है, ये एक प्रकार का पादप परजीवी है जो कि किसी विशेष फसल के उगने पर ही उग सकता है, और इसका जो आकार होता है वो केवल जैसे ज्वार देखी होगी आपने, ज्वार की तरह का ही बिल्कुल बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, केवल ज्वार का जो ज्वार का होता है यानी चरी का जो पौधा होता है उसी के समान होता है, लेकिन केवल अंतर इतना होता है ये परजीवी है, और क्या है इसमें पीले और लाल रंग के और गुलाबी रंग के तीनों तरह के फूल आते हैं, ये एक बहुत ही परजीवी है जो कि ठूंठों के रूप में उगता चला आता है और अपनी वृद्धि एक बहुत बड़ी तेजी मात्रा में करता है और बहुत ऊंचा ऊंचा हो जाता है, यानी अच्छी अच्छी फसलों को ये नष्ट कर देता है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है।
आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा आपको ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप अच्छी तरह से पास हो जाओगे। अगर आप आपको हमारी वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।